गाइस तो ये रही अपनी कॉलेज, मस्त एकदम घर जाके सोएगा। कॉलेज लाइफ भाई, कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ ऐसा होता है ना कि सासी की मानो आप लोग रील्स भी देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो भाई ऐसा कोई वीडियोस आएगा जो ऐसा रिलेट करेगा कि आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब लगेगा कि भाई कॉलेज लाइफ कितना अच्छा था और भाई स्कूल लाइफ कितना अच्छा था। बट सही बात रहता है यार, बहुत अच्छा लाइफ होता है। एंड अभी देखो यार, सारा कोई अलग हो गया। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूसुफ। तो लियो का फैमिली कैसे है कमेंट करके जरूर बताना। और यार मैं आज कितने दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि है ना मैं कॉलेज ब्लॉग भी बहुत पहले डाला था, क्योंकि है ना मेरा कॉलेज तो खत्म हो गया था। उसके बाद आज मेरे को कुछ कॉलेज में काम है, तो आज मेरे को जाना पड़ेगा कॉलेज। एंड बहुत सारे फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना चलो वो लोग से मिल लेंगे, क्योंकि है ना भाई लोग से बहुत दिन से मिले नहीं है। एंड सारा कोई शायद आज आने वाला है, तो चलो चलते हैं कॉलेज। और अभी और को एंड शुभोजीत अभी वेट कर रहा है काजड़ा में, उसके बाद वहाँ जाएंगे, उसके बाद उसके साथ चलेंगे हम लोग कॉलेज। एंड आपको मैं दिखाऊंगा मेरे कॉलेज कहाँ था और कौन सा कॉलेज में मैं था पहले। तो भाई बहुत दिनों के बाद कॉलेज का ब्लॉग आएगा, ये चीज़ को लेके मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ना कॉलेज में बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ मैं, पास आउट करने के बाद मैं गया ही नहीं हूँ। आज मेरे कुछ कॉलेज का काम है तो मेरे को जाना पड़ रहा है। एंड ऐसे भी मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी घूमने को जाओ यार, बहुत अच्छा लगा था कॉलेज में। बट अब तो कॉलेज ख़त्म हो गया है, सारा फ्रेंड्स लोग भी इधर उधर चले गए हैं बार बार, तो फ्रेंड्स लोग से भी मिल नहीं पाते। तो आज साथ सबको आएगा शायद से, आज अगर आया तो बेस्ट होगा, क्योंकि ना कम से कम सारा से मिल लेंगे एक बार। क्योंकि कॉलेज लाइफ भाई, कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ ऐसा होता है ना कि सारा कोई ना कभी तो मिस करता ही है भाई। ऐसा अगर होता है ना, जैसे कि मानो आप लोग रील्स भी देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो भाई ऐसा कोई वीडियोस आएगा जो ऐसा रिलेट करेगा कि आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब लगेगा कि भाई कॉलेज लाइफ कितना अच्छा था और भाई स्कूल लाइफ कितना अच्छा था। बट सही बात रहता है यार, बहुत अच्छा लाइफ होता है। एंड अभी देखो यार, सारा कोई अलग हो गया, मैं अलग लाइन में चला गया, वो लोग अपने अलग लाइन में। तो अभी भाई किसी से कोई मिलना मिलना नहीं होता, तो आज मिलने का टाइम मिला है, तो भाई चलो आज क्यों ना मिलते हैं। आप लोग यार सपोर्ट करो बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एंड आप लोग से कुछ नहीं भाई, एक शेयर फॉलो सब्सक्राइब यही करो, और कुछ नहीं करना आपको बस। अगर बताना कैसा लग रहा है कमेंट करके ये तो ज़रूर बताना, क्योंकि ना मैं बनाता बहुत मेहनत से। तो भाई आप लोग कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर टाइम देना है और बस कमेंट वगैरह करके बस छोड़ देना यार, और मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए भाई। बाकी तो फिर आपका भाई तो भाई, क्योंकि यार ना मेरे को नहीं चाहिए पैसा भाई, मेरे को एक अच्छा सा फैमिली बनाना है भाई, मस्त फैमिली जहाँ पे हाँ इंसान पहचाने, लोग पहचाने, मेरे को जाने। तो भाई अगर पैसा का नीड होता तो भाई मैं सीधी सी बात है, क्योंकि यार ना मैं इतना खर्चा करता ही नहीं अभी भाई, सीधी सी बात मैं इतना खर्चा करता ही नहीं, क्योंकि यार देखो सुपर बाइक लेकर मैं डेली ब्लॉग कर रहा हूँ भाई, पॉसिबल नहीं एक मिडिल क्लास बंदों के लिए, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं जब निकलता हूँ ना तो कम से कम 1500 से 2000 रुपया खर्चा हो ही जाता है। बना रहा हूँ एंड हमेशा बनाऊँगा, ये नहीं कि भाई मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, बस जरूर बनाऊंगा यार, हो सकता है कभी कभी बीच में छूट जाएगा, डेली ब्लॉग का मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी कंटिन्यू रखा भी हूँ ये चीज़। तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो मैं बोला था तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। थोड़ा कॉलेज में कुछ काम है, तो पहले वो काम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद भाई एकदम मस्त निश्चिंत हो जाएंगे। पार्थो सर और सुब्रा मैम, ये मैम सर ना बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया था, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि ना ऐसा एक बार हुआ था कि मैं कॉलेज छोड़ रहा था, क्योंकि रीज़न क्या था ना, मैं बहुत ज़्यादा मैं डूब गया था वीडियोज ब्लॉग में, और मेरे को ना उधर एकदम होता है ना मन ही नहीं लग रहा था। बट यार मैं सर को बोला तो सर मेरे को समझाया कि यार कुछ टाइम है और कर लो कॉलेज पूरा कंप्लीट, उसके बाद बाकी तो हम लोग आया। तो भाई मैम सर ने बहुत सपोर्ट किया था, एंड मैम सर भी शायद से मेरे ब्लॉग देखते होंगे, क्योंकि ना मैम तो देखती है इतना मेरे को पता है, क्योंकि मैम बोलती भी है, बीच बीच में रिप्लाई करती है भी। लेके मेरे को बहुत अच्छा लगा था, सर मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे समझाए थे कि नहीं कॉलेज कम्प्लीट कर लो तुम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम वीडियोस बनाओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस कॉलेज कंप्लीट कर लो, बाकी तो हम लोग जितना होगा हम लोग कर देंगे यार। मेरे लिए सच में बहुत किए थे सर यार, सर लोग से भी जाके मिलेंगे यार, कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि यार बहुत दिनों के बाद मिलूंगा मैं सर से, क्योंकि उसके बाद तो मैं जो पास आउट करने के बाद रिजल्ट लेने के बाद मैं कॉलेज गया ही नहीं हूँ। आज जाने का समय आया तो भाई आज तो जाना बनता है, एंड भाई फ्रेंड लोग भी आएगा तो मज़ा आएगा। और मैं कितनों दिनों से सोच रहा हूँ भाई कि माइलेज टेस्ट वीडियो बनाऊंगा, माइलेज टेस्ट वीडियो बनाऊंगा, भाई बन ही नहीं रहा मेरे से। मैं मतलब होता है ना मैं इधर उधर बिजी हो जा रहा, मैं जिस दिन सोच रहा हूँ कि ये माइलेज टेस्ट आज बनाऊँगा भाई, उस दिन मैं कुछ और ब्लॉग बना रहा हूँ। बट कोई ना, कंटिन्यू तो हूँ ना यार। एंड इसका मेरा दो वीडियो ना बहुत तगड़ा वाला आने वाला है, जैसे कि एक मेरा फुल मेंटेनेंस बाइक का, सर्विस चार्ज कितना क्या है नहीं है,
क्या चीज़ होता है सर्विस पे, और एक जो रहेगा माइलेज टेस्ट वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ना बहुत को मेरे को पूछता है भैया माइलेज कितना देता है, भैया आप इतना ज़्यादा बाइक चलाते हैं आपका खर्चा कितना होता है, मैं सारा कुछ बताऊंगा वो वीडियो पे। सर्विस का तो मेरे को डालना बहुत ज़रूरी है कि सर्विस भी बहुत को पूछता है भैया मेंटेनेंस कितना है। भाई मेंटेनेंस यही रहता है ना कि अगर बाइक को अगर प्रॉब्लम जैसे हुआ हल्का सा भी ना तो उसको तुरंत ठीक करवा लो, वरना वही प्रॉब्लम ना बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद ना लोग बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा खर्चा है सुपर बाइक में, सुपर बाइक में खर्चा उतना नहीं है मैं सच बता रहा हूँ। हाँ है, बस जब सर्विस कराओगे ना, वो भी सर्विस कब कराओगे जानते हो, जब तक अगर कुछ ख़राब ना हुआ बाइक पे ना, तब तक आपके लिए भाई बाइक प्रॉब्लम ऐसे कभी, देखो मैं 1 साल 1.5 साल से चला रहा हूँ बट मेरे को अभी तक ना कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा है बाइक पे। एंड भाई मैं अभी तक चला रहा हूँ, मैं एक ही सर्विस करवाया हूँ, देखो अभी तक चल रहा, क्योंकि ना सुपर बाइक सच बता रहा है इंजन है यार, इंजन रहता है पावरफुल इंजन। भाई खर्चा मेन क्या खर्चा रहता है ना सर्विस में, भाई एक बार आपको सीधी सी बात है कोई सा भी बाइक हो नॉर्मल बाइक हो चाहिए, बस इसमें यही है ना इसमें मोबिल ज़्यादा लगता है तो इसमें थोड़ा खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ना इसमें 4 लीटर मोबिल लगता है, 4 नहीं लगता है 3.8 थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराते रहो बाइक में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब मेंटेनेंस भाई हमेशा तुम थोड़े थोड़े चीज़ पे करते रहो भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं। भाई अलॉय कितना निकला है, बहुत तगड़ा लग रहा बोलेरो पे। लगे जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद ऐसे जन्म में मुलाकात हो ना हो। इधर देखो बैनाली का शोरूम, भाई लगभग इधर शोरूम तगड़ा तगड़ा खुल ही गया है। अरे इधर टीवीएस का भी खुल गया, सामने एक दुकान वकान है भाई, कहीं वहां पे रुकते हैं मस्त बैठ के, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पीते, तब तक वो लोग आने का वेट करते हैं, वो लोग का टाइम लगे तो कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक पीते हैं। भाई बहुत दिनों के बाद कॉलेज जा रहा हूँ, तो ये रहा अपने दो भाई मिले पीछे, ये रहा और भी, अभी देखते हैं कौन कौन आया है नहीं आया है। यहाँ पे ना बहुत खतरनाक वाला चेकिंग चलता है देखना। भाई कितने दिनों के बाद मैं इधर आ रहा हूँ अपने कॉलेज साइड, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि ना बहुत दिनों के बाद कॉलेज आ रहा हूँ, क्योंकि ना मैं 3 साल काटा हुआ है यहाँ पे, तो भाई मायने तो रखता है 3 साल। अभी भाई 1 साल के बाद लग रहा मैं इधर आ रहा हूँ, चल अंदर चल, वहाँ पार्किंग में लगाएंगे, चल ना पार्किंग में, यहाँ क्या करेगा बाहर धूप में। तो ये रही अपनी कॉलेज, और ये रही अपनी कॉलेज। अम्मा से एकदम घर जाके सोएगा लिटिल लिटिल करके, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये अपनी कॉलेज जो यार मैं कितना पास आउट किया, 2023 में ना, 2023 में पास आउट किए थे, अभी आए थे क्या करने सर्टिफिकेट और पैसा। मैं तो कॉलेज आया नहीं था भाई, मैं तो ऐसे ही पैसा मिला, मोटा पैसा मिला, ब्लॉग तो करना पड़ेगा। ये कॉलेज में भाई 2023 में खड़ी थी और आज कितने दिनों के बाद आई है ये कॉलेज देखो, एंड बस ये लास्ट टाइम देखो ये कॉलेज आएगी, इसके बाद पता नहीं कब आएगी। इसको दिखा दो, इस चोमू को, ये हम लोग का स्मार्ट बॉय है, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है देखो आप लोग। ये तक आ रहे सर, चलिए धन्यवाद आपसे मिलन हो गया, आते आपसे मिलन हो गया, ठीक है, हम सब्सक्राइब किए हैं, लाइक भी करते हैं, ठीक है, सही बात में तो थोड़ा देखिए, चलिए आप हमको देखिएगा सर, आते हैं, ठीक है आते हैं, चलो। यार अपनी पुरानी यादें, एंड कितने दिनों के बाद आया था, और बस हो गया कॉलेज का काम, अब मैं निकल रहा हूँ घर, एंड यही वो सीढ़ी था जहाँ बोलो 900 सीसी मुझे ले, 900 सीसी 900 एक 900 सीसी गाड़ी। करीब तू हमेशा पास था, उतना कोई तो आया नहीं था, बस जो आया था उनसे मिल लिया, और अब चल रहे हो घर। तो ये नहीं समझ में आया भाई इस पे ये बीच में क्यों दिया है बॉर्डर टाइप का,
क्योंकि ना ही रोड का काम चल रहा है ना ही कुछ हो रहा है, तो भाई पता नहीं